आज हम बात करने वाले हैं एक साउथ कोरियन एसयूवी के फेसलिफ्ट मॉडल के बारे में। सो हेलो एवरीवन, सुपिया वन की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। हम बात करने वाले हैं आज एक ऐसी गाड़ी के बारे में जो सब 4 मीटर की एसयूवी के सेगमेंट में सेगमेंट किंग कही जाने वाली विटारा ब्रेजा गाड़ी को टक्कर देने वाली गाड़ी है, हुंडई वेन्यू। ये गाड़ी मार्केट में लॉन्च होने के बाद से ही फर्स्ट दिन इस गाड़ी की 2000 से ज्यादा रिकॉर्ड बुकिंग है वो दर्ज की गई। सेगमेंट में ये गाड़ी सीधा सीधा टक्कर देती है मारुति विटारा ब्रेजा, किया सोनेट, टाटा की नेक्सॉन, होंडा की WRV एंड फोर्ड इकोस्पोर्ट, जो ऑलरेडी फोर्ड के इंडिया के जाने के बाद से बंद हो चुकी है। तो बात करें इस गाड़ी का नेक्स्ट मंथ फेसलिफ्ट मॉडल है वो लॉन्च होने वाला है। दरअसल सेगमेंट किंग कही जाने वाली मारुति विटारा ब्रेजा की नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, तो हुंडई ने ये प्लानिंग की है कि इस गाड़ी में कुछ छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज करके अगर सेगमेंट में बने रहना है तो हमें ये फेसलिफ्ट वर्जन है वो निकालना पड़ेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं न्यू हुंडई वेन्यू फेसलिफ्ट मॉडल के अंदर आपको कौन कौन से अपडेट हैं वो मिलने वाले हैं। सबसे पहले बैक साइड की बात करें तो यहाँ पे जब ये गाड़ी 2019 के अंदर लॉन्च हुई थी तो ये पीछे की डिजाइन को लेकर, या कह लीजिए रियर की डिजाइन को लेकर, ये गाड़ी बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज हुई थी। इसके जो रियर के टेल लैंप हैं वो लोगों को इतने ज्यादा पसंद नहीं आए थे। तो इस वीडियो में हमें देखने को, जो फोटो आप देख रहे हैं अपने स्क्रीन पे, तो यहाँ पे न्यू डिजाइन के आपको यहाँ पे टेल लैंप हैं वो मिलने वाले हैं और ये LED बेस रहेंगे पीछे की, और यहाँ पे आपको वाइपर वॉशर डिफोगर के सभी फीचर हैं वो मिलने वाले हैं, और पीछे के बम्पर के अंदर यहाँ पे कुछ कॉस्मेटिक चेंज आपको किया हुआ मिलेगा। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्रंट में पहले आपको सिंगल प्रोजेक्टर हैलोजन हेडलैम्प मिलते थे ऑटोमेटिक फंक्शन के साथ जो अवेलेबल थे, अब यहाँ पे कंपनी इसको LED करने की सोच रही है, क्योंकि सेगमेंट के अंदर जितनी भी गाड़ियां हैं विटारा ब्रेजा, टाटा नेक्सॉन, किया सोनेट, ये सभी LED प्रोवाइड करवा रही है। अकेली हुंडई वेन्यू ऐसी गाड़ी है जिसके अंदर आपको हैलोजन हेडलैम्प वो अभी मिल पा रहे हैं, लेकिन जो फेसलिफ्ट मॉडल आएगा तो इसमें यहाँ पे आपको LED हेडलैम्प वो मिलने वाले हैं। नीचे की यहाँ पे फॉग लैंप की बात करें तो यहाँ पे आपको प्रोजेक्टर बेस हैलोजन फॉग लैंप मिलने वाले हैं, जो नए वर्जन के अंदर आपको LED बेस मिलने वाले हैं। देखा जाए तो यहाँ पे आपको फ्रंट बम्पर और जो मेन हेडलाइट है वो उसके अंदर डिजाइन अंदर से कुछ कॉस्मेटिक चेंज किया हुआ मिलेगा, बाकी उसकी जो शेप वगैरह है वही सेम रहने वाली है। ऊपर की ओर यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलते हैं, तो अगेन यहाँ पे पहले आपको वेन्यू के अंदर राउंड शेप के अंदर यहाँ पे जो LED DRL मिलते थे वो आप यहाँ को टाटा हैरियर की तरह टर्न इंडिकेटर की जगह पे मिलने वाले हैं। तो ओवरऑल बात करें तो फ्रंट की डिजाइन कुछ इस प्रकार की यहाँ पे रहेगी। साइड की ओर से यहाँ पे आपको डुअल कट डायमंड कलर के आपको जो 16 इंची है वो अलॉय व्हील मिलने वाले हैं। ऑलरेडी वेन्यू के अंदर 16 इंची के डायमंड कट अलॉय व्हील आते थे, लेकिन उनकी डिजाइन इनसे कुछ अलग होगी। और एक्सटीरियर की बात करें तो यहाँ पे आपको ऊपर सनरूफ और स्पोर्टी रूफ रेल और शार्कफिन एंटीना मिलने वाला है। तो ओवरऑल यहाँ पे आपको बाहर की ओर से न्यू वेन्यू के अंदर आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए हुए मिलेंगे, बाकी अदर कोई चेंज आपको यहाँ पे नहीं किया हुआ मिलेगा। और ORVM पे आपको टर्न इंडिकेटर है वो मिलने वाले हैं। अब एक्सटीरियर की बात करने के बाद हम इंटीरियर के बारे में बात करेंगे, तो इंटीरियर में SH कोई चेंज आपको करने को नहीं मिलेगा। नो डाउट यहाँ पे आपको कंपनी 360 डिग्री कैमरा दे सकती है, क्योंकि मारुति जो न्यू मारुति ब्रेजा है उसके अंदर आपको 360 डिग्री कैमरा मिलने वाला है, जो अभी लॉन्च नहीं हुई है। फरवरी के फर्स्ट वीक या सेकंड वीक के अंदर वो लॉन्च हो सकती है। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी मैंने चैनल पर बना रखी है, आप आई बटन के अंदर लिंक आ रहा है, वहाँ पे जाके आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो कंपटीशन के अंदर यहाँ पे देखें तो ब्रेजा जब 360 डिग्री कैमरा कंपनी प्रोवाइड करवा रही है तो हुंडई वेन्यू भी जरूर इसको अप्लाई करेगी इस फीचर को, और 360 डिग्री कैमरा आपको न्यू हुंडई वेन्यू के अंदर देखने को मिल सकता है। ओवरऑल इसके फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD और 350 लीटर की बूट स्पेस मिलती है, और इसके अंदर यहाँ पे आपको रियर AC वेंट्स मिलते हैं जो ब्रेजा के अंदर आपको नहीं मिलते। ये गाड़ी डीजल और पेट्रोल दोनों वर्जन के अंदर आती है। डीजल में आपको 6-speed मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है, जबकि पेट्रोल के अंदर आपको 5-speed और 6 या 7-speed आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये गाड़ी आती है। डीजल में यहाँ पे आपको 1400cc का CRDA डीजल इंजन मिलता है, जो 88 BHP की पावर और 219 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और माइलेज देता है आपको 23 की। पेट्रोल में आपको 1200cc का पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 81 BHP की पावर और 140 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और आपको 17 KMPL की माइलेज प्रोवाइड करवाता है। उसी के साथ आपको एक दूसरा इंजन ऑप्शन मिलता है पेट्रोल के अंदर, वो टर्बोचार्ज के अंदर आपको मिलता है, वो 118 BHP की पावर और 171 Nm का टॉर्क जनरेट करता है और 18 KMPL की माइलेज के साथ। यहाँ पे आपको हुंडई वेन्यू में 45 लीटर का फ्यूल टैंक आपको मिलता है। इस गाड़ी के मेन USP की बात करें तो यहाँ पे आपको न्यू हुंडई वेन्यू में
ब्लू लिंक का ऑप्शन मिलता है, जिसके जरिए आप अपनी गाड़ी के इंजन को रिमोट से ही स्टार्ट एंड स्टॉप कर सकते हैं और अपनी गाड़ी के जो इसी के कंट्रोल है उनको भी आप अपने रिमोट से ही ऑन ऑफ कर सकते हैं और गाड़ी के डोर लॉक वगैरह, तो ये बेसिक सा फीचर है। ओवरऑल गाड़ी के लेंथ की बात करें तो ये गाड़ी सब 4 मीटर एसयूवी के अंदर जानी जाती है। इसकी लेंथ है 4 मीटर, हाइट है 1.6 मीटर और ये गाड़ी फ्रंट व्हील ड्राइव के अंदर आती है। हुंडई वेन्यू की इंडिया और साउथ कोरिया के अंदर असेंबली होती है और लॉन्च के पहले दिन से ही 2000 से ज्यादा रिकॉर्ड बुकिंग ये गाड़ी कर चुकी है। सबसे पहले 2019 के अंदर ये गाड़ी लॉन्च हुई थी और इसको लॉन्च हुए अभी 3 साल हो चुके हैं, तो 3 साल के बाद एक फेसलिफ्ट मॉडल है जो आने वाला है, जिसमें आपको कुछ कॉस्मेटिक चेंज किए हुए मिलेंगे। कुछ भाई पिछली वीडियो के अंदर कमेंट करके पूछ रहे थे कि अभी जो वेन्यू आ रही है हमें वही खरीदनी चाहिए या फिर जो न्यू फेसलिफ्ट वर्जन आएगा हमें वो खरीदना चाहिए। तो बेसिकली उन भाइयों के लिए मैं बता दूं, अगर आपके साथ में बजट का कोई इश्यू नहीं है तो आप जो नई वेन्यू आएगी वो खरीद सकते हैं, क्योंकि नई वेन्यू के अंदर आपको कुछ एक दो फीचर और कुछ छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंज किए हुए मिलेंगे, जैसे फ्रंट और रियर का जो बम्पर है वो चेंज किया हुआ मिलेगा, बाकी हेडलैम्प वगैरह कुछ छोटे मोटे चेंज किए हुए मिलेंगे, बाकी एसएच कोई चेंज किया हुआ आपको नहीं मिलेगा। अगर कोई बजट का इश्यू नहीं है, अगर आप न्यू लुक चाहते हैं गाड़ी का, तो आप नो डाउट आप फेसलिफ्ट वर्जन ही खरीदिए। और आपके सामने थोड़ा बजट का इश्यू है और आपको फीचर वगैरह से इतना फर्क नहीं पड़ता और लुक वगैरह से इतना फर्क नहीं पड़ता है, तो आप नो डाउट अभी वाली वेन्यू लीजिए, क्योंकि नई जो गाड़ी आएगी एक तो उसकी प्राइस 40 से 60 हज़ार रुपये इंक्रीज होने वाली है जो अभी गाड़ी आ रही है उससे, और दूसरा आपको वेटिंग पीरियड है वो बढ़ने वाला है। अभी आप ओल्ड वेन्यू लेंगे तो आपको 1 से 2 दिन के अंदर कंपनी डिलीवरी करके देगी, नई वेन्यू लेंगे तो उसमें आपको 3 से 6 मंथ की आपको वेटिंग पीरियड है वो मिलने वाला है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की चिप इंडिया के अंदर बहुत बड़ी समस्या बन के आ रही है। गाड़ियों का वेटिंग पीरियड है वो बढ़ते ही जा रहा है, मैंने पिछली वीडियो के अंदर भी बताया था। एक्सयूवी 7W की जो वेटिंग पीरियड है अगेन कंपनी ने 3 से 4 वीक है वो ऑलरेडी बढ़ा दी है। अगर आप एक्सयूवी 7W लेने जाते हैं तो आपको 2022 या फिर 2023 के मिड की आपको वेटिंग पीरियड है वो मिल पा रही है। तो देखा जाए तो सेमीकंडक्टर की चिप की वजह से आपको कुछ गाड़ियों के अंदर आपको जो फीचर हैं वो अभी प्रोवाइड नहीं करवाए जा रहे हैं, जैसे महिंद्रा की थार के अंदर आपको म्यूजिक सिस्टम कंपनी अभी प्रोवाइड नहीं करवा के दे रही है सेमीकंडक्टर की चिप की वजह से टॉप मॉडल में। जब वो आ जाएगा तो कंपनी आपको जब गाड़ी डिलीवरी होने के बाद में, चाहे 5 से 6 मंथ के बाद में, आपको वो म्यूजिक सिस्टम में वो लगा के दे देगी। इस प्रकार सेमीकंडक्टर की चिप की जो कमी है उस वजह से कंपनियां डील कर रही हैं और कस्टमर को भी इसका नुकसान उठाना पड़ रहा है। कुछ इस प्रकार के न्यू हुंडई वेन्यू के अंदर आपको फीचर वगैरह मिलने वाले हैं। अगर आप और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखना चाहते हैं तो चुपैया वाहन चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।